channel. Please click the subscribe button. Press the bell icon for no. बहुत खुशी होती है कि ऐसा कोई मौका मिलता है कि हम उन्हें मिल पाए जो हमें पसंद करते हैं. तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर बाय हेलो ऐप एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल माय फैंस. इस सेकंड टाइम है हेलो ऐप ने इसके पहले प्रियांक शर्मा के साथ में किया था, वो आपने देखा था? वो मैंने नहीं देखा था बट ऑफ कोर्स मैंने थोड़े से उसकी झलकियां देखी थी. तेजस्वी मैम के लिए फैंस की कितना इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हम जो भी हैं उन्हीं के वजह से हैं. तो ऑफ कोर्स व्हाट एवर आई एम इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम. सोशल मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? सोशल मीडिया आई थिंक एक मैसेज पहुंचाने के का एक बहुत अच्छा जरिया है एंड आई थिंक एप्स लाइक यू नो हेलो ऐप आई थिंक वो सही इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाने में बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप लेता है एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड जो भी चीज़ें आप चाहते हैं कि दुनिया को पता चले वो आप प्लीज़ पोस्ट करते रहिए. लेकिन कहने के इसका मिसयूज़ भी होता है. मिसयूज़ तो हर चीज़ का ही होता है. तो ट्राई कि आप एक अच्छे इंसान बने और अच्छी चीज़ें पोस्ट करें और अच्छी इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुँचाएँ. रिलीजन ऑफ कास्ट के नाम पर जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू खेलते हैं उनके लिए क्या कहना है उनका? रिलीजन और कास्ट वाला तो मैंने कोई पोस्ट नहीं देखा है. नहीं लेकिन काफ़ी होता है, जैसे कि रिसेंटली फैजू का हुआ था, बाद में एजाज खान बीच में आए हुए थे. हाँ नहीं सॉरी मुझे नहीं पता है तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकती. मैं पढ़ूंगी उसके बारे में, अगर ऐसा है तो उसके बाद में बोलूंगी ऑफ कोर्स. इसके अलावा अगर बिग बॉस भी आने वाला है, अगर आपको चांस मिले तब जाना चाहेंगे? बिग बॉस के बारे में अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है बट लेट्स सी. अगर ऑफर आए सामने से तो क्या करना चाहिए? नहीं ऑफर आया है बट लेट्स सी. इसी साल आया कि इसी पिछले 3 साल से आ रहे हैं बट लेट्स सी. अच्छा सेलिब्रिटी के टाइमिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है? अरे बहुत इंपॉर्टेंस होती है भाई, हमें पता है कि हम कैसे निकाल के आए हैं टाइम यहाँ. सॉरी अभी बस 3 दिन में निकल रही हूँ, इंडिया छोड़ के जा रही हूँ 2 महीनों के लिए. तो मुझे बहुत काम है और पर मुझे ये इवेंट कैंसिल भी नहीं करना था और मुझे आना था भले ही फिर थोड़े टाइम के लिए ही सही. बट ऑफकोर्स जितना ही टाइम मैं दे पाई मैं दे रही हूँ रियली. अच्छा सिलसिला में काफ़ी सराहा गया आपको देखा जाए तो. यस थैंक यू. इसके बाद क्या आ रहा है अभी? अभी आ रहा है वही तो कह रही हूँ, बस अनदर 3 डेज आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ के लिए निकल रही हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. थैंक यू. फाइनली फैंस को बोलना चाहेंगे? फैंस को जो भी कहना चाहूँगी वो तो अभी कह ही दूंगी ना, मिल ही रही हूँ उनको. और एक मीडियम दिया है कि आप सब मेरे पोस्ट ज़्यादा रेगुलरली देख पाओ और आई थिंक इट्स अ वेरी 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 गुड प्लेटफॉर्म. और
जितना ही मैं हेलो ऐप को लाइक कर रही हूँ, पसंद करती हूँ, उतना ही प्यार मुझे हेलो ऐप की तरफ से भी मिला है. और आई थिंक द फॉलोइंग इज़ वेरी गुड और रिस्पॉन्स मुझे अच्छा ही मिला है. सो आई फील लकी. आपको पता है कि हैशटैग तेजस्वी प्रकाश, ये आपका सुपर फॉलो, सुपर फॉलो के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी. सो वहां पर मैं दे देता हूँ, कोई बात नहीं. सो वहां पर एक चैट रूम का ऑप्शन होता है सुपर फॉलो में. ओके, सो वहां पर जो आपके फैंस हैं आज जाके वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपको, एंड यू कैन सी द क्वेश्चन. आप वो हैशटैग पे जाके आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं एंड यू कैन रिप्लाई. सो ये जो कनेक्ट है आपका जो हमारे फैंस के साथ होने, आपके फैंस के साथ होने वाला है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स आप लोगों को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इजी हो गया है हमारे लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना? आप मैसेजेस भेज सकते हैं और मैं पढ़ सकती हूँ और तभी रिप्लाई कर सकती हूँ. तो आई थिंक एक कैसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनल बॉन्ड हो जाता है ऑफ द आर्टिस्ट एंड द फैंस एंड पीपल दैट वांट टॉक टू अस. तो एक बहुत स्पेशल बॉन्ड बनाने में हेलो ऐप बहुत हेल्प करता है जी. But this is not a question, this is a request. Yeah. Ki please do some photo shoots and please be more active on Instagram also. Jaise main hello aapke aaj kaun hai ye gadda? Naam likha hoga na? Salman. Salman likha hai. Instagram nahi hai. Ye hello hai. Hello. Ye bol rahe ki matlab hello pe aap itna zyada active hai, thoda matlab daya sincerely aap pe bhi kar do aise. So appeal kar do ki hello pe aa jaye. हाँ, आप हेलो पे देख लो ना पोस्ट. मैं ज्यादा इंस्टाग्राम पे पोस्ट ना करूँ तो क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट 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 करेक्ट. देशमुख पराग वांट्स टू डांस विद मी और फर्स्ट टाइम. चलो देशमुख पराग इज गोइंग टू डांस फॉर अस. वेयर इज मैं हर छोटी बात पे भी रोती हूँ
और मैं बहुत इजीली इमोशन होती हूँ और हाँ वेरी मच लाइक दैट वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इमोशनली लगते हैं ऐसे ही लगते हैं व्हाट ओके शैलेश वांट्स टू आस्क व्हाट प्रॉब्लम्स डिड आई फेस इन द इंडस्ट्री वेरी नाइस क्वेश्चन वेरी नाइस शैलेश शैलेश हाय सो बेसिकली जब भी मैंने काम करना शुरू किया था आई वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड एंड आई वॉज स्टिल डूइंग माई इंजीनियरिंग तो मुझे शूट पे आना होता था और ऑब्वियसली 12 घंटे शूट करना होता था और तभी मेरा सेट था नायगांव में नायगांव बहुत दूर है एंड आई लिव इन गोरेगांव सो आई हैड टू बेसिकली लाइक ट्रैवल इतना दूर तक और मुझे मेरा कॉलेज भी अटेंड करना पड़ता था एग्जाम्स के लिए मैं भी प्रिपेयर करती थी तभी मैं सेट पे अपने सारे बुक्स लेके जाती थी और सेट पे पढ़ाई करती थी एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू गेट माय एग्जाम्स सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम लाइक वेरी वेरी टफ मुझे बहुत टफ लगा था वो और इसके अलावा इंडस्ट्री ने सिर्फ प्यार ही दिया है कोई प्रॉब्लम यू विल बी प्राउड मतलब काम कर एक्सपीरियंस होगा और मेरे पास जलसा जैसा क्या बात है जलसा ऐसा ब्रिलियंट एक्टर कूल ये मेन रीजन है एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन फाइव थिंग यू ऑलवेज कैरी इन योर बैग माय फोन माय ईयरफोन्स माय चार्जर माय वॉलेट And my glasses. Cool. But of course, I'll be next. What's the first thing you do when you wake up? When I wake up, I dance. this is something new. When yeah. you wake up, you dance. Yeah. So this is the happiest person on the earth right now. Yeah. I'm just so happy yeah. that I woke yeah, up. Yeah, it's true. By the way, we have Tejasvi's mother with us. So big, yeah, big, big round of applause for her. Okay, so the next question, are you ready? Yeah. Yeah. If you were stuck in lift, which actor would you like to get stuck in? Shakti Kapoor or Prem Chopra? Why? Shakti Kapoor. Why? Because he's funny. Oh, Prem Chopra is not funny. I don't know. I didn't see Prem Chopra. Chopra. Okay, cut it. Okay, next question. Most embarrassing moment of your life. Most embarrassing. I don't know. I'm never embarrassed. You're never embarrassed. अगर कुछ ऐसे embarrassing situation भी हो तो मुझे नहीं embarrassed होती. Can we ask your mother the same question? हाँ. What is the most embarrassing? Can we have the mic, please? No. So the next question, tricky question. Narendra Modi or Rahul Gandhi? What would you prefer, men with beard or no beard? With beard. With beard, do have chances. Yeah. The best compliment you ever received? This is one thing that people say to me and I like that.
कोई अगर पूछता है कि आपका नाम क्या है, मैं बोलती तेजस्वी प्रकाश, तो बोलते हैं हाँ आप सच में तेजस्वी है. I like that. It's good one. Yeah. Your idea of perfect romance. Perfect romance. Yeah. What does perfect look like? मतलब, what are you trying to ask? Like, your idea of anything. Like being on a date with someone. In a certain mood or in a certain I think the ideal date would be like somewhere we're just home and we're just, you know, cooking and spending time watching some nice movies. You like cooking? No, like this is a time pass wala. Like you just cook it, but then you don't eat what you cook. You order. Just cook it and keep it aside keep for it aside. Pictures. Yes. And correct. You will order from Zomato, right? Yeah, correct. Yeah. So this is perfect romance? Perfect. Like no, nothing flashy. Something at home, simple. 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 So this is a kind of intense question right now. Okay. Your most favorite app, Facebook or Hello? Hello. Hello app. I'll really tell you कि अगर आप मेरा Facebook original profile देखेंगे, तो मेरा जो Facebook का जो DP है, मैंने मेरे school time से change नहीं किया है. Okay. मुझे थोड़ी बहुत आती है लाइक हिंदी इंग्लिश मराठी एंड आई कम टू सी गुजराती इज वेरी गुड या देन आई नो लिटिल मैं थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ पंजाबी. सो आपका बर्थ सऊदी में हुआ था राइट? हां ट्रॉम या. सो डू यू नो अरबिक? वेरी वेरी लिटिल बट यू नो. बट आई नो लाइक द नंबर्स एंड स्टफ. ओके. So can you say a sentence in Arabic that download hello and be active on it? No. 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 How can you say download hello and be active on it? No. इतना तो मम्मी को भी नहीं आता मुझे कैसे है? Okay. So आपकी मॉम आई है. So एक spontaneous question मेरी तरफ से. हाँ. One proud moment for you by Tejasvi. One. Can we have the mic please? Yes. Your life's most proud moment by you. जब तेजस्वी इंजीनियर कंप्लीट किया उन्होंने तेजस्वी ने दैन अभी यहाँ पे इंडस्ट्री में आ गई है मेरे लिए बड़ी इंजीनियरिंग का मतलब ये परफेक्ट पेरेंट हो गए ना. पहले पढ़ाई कंप्लीट करो फिर कुछ द्वंद था मन में जब द्वंद मतलब दोरा कि कंफ्यूजन कि मैं इंजीनियरिंग के एग्जाम भी दे रही हूँ माय गॉड कि आज बहुत इम्पोर्टेंट फिर मैं शाम को उठती थी और मैं पूरी रात पढ़ती थी और मैं एग्जाम देने चली जाती थी. ओके. सो व्हिच इज मोर टफ स्टडीज और इंडस्ट्री? स्टडीज आर मोर सो. Engineering is very tough. So if you wanna give up one thing, what would you give up? Studies? No, I can't give up anything. क्योंकि अभी मैं जो भी हूँ, the way I am, मैं मुझे जो सारी चीजें पता हैं, और जिस तरह से लोग मुझे देखते हैं, और a lot of things change when you tell somebody that you're an engineer. Yeah. And people और मुझे लगता है कि पढ़ाई जो होती है वो सिर्फ आपके knowledge के लिए important नहीं होती. I think it's really important because your education qualification makes you a person. तो वो आपकी personality भी एक तरह से design करता है. तो पढ़ना तो बड़ा मैं दोनों में से कुछ भी मतलब give up. क्योंकि क्या हुआ था कि जब मैं industry में पहले आई थी तो मुझे मेरे जो college के principal थे
वो मुझे कह रहे थे कि तेजस्वी कितने सारे लोग पूरी इंडिया से मुंबई आते हैं एक्टर बनने के लिए और बहुत कम लोग हैं जो अच्छा कर पाते हैं, जिनको इवन शो मिल पाता है, बहुत कम लोग हैं उसमें। अगर तुम हो जिन्हें शो मिला है तो तुम क्यों इतनी तकलीफ में इंजीनियरिंग पढ़ रही हो, तुम रहने दो। और जबकि फिर मैं एक्टिंग मतलब जब मैं शूट पे होती थी तो मुझे डायरेक्टर तो सब लोग बोलते थे कि क्या तुम्हें एक्टिंग में रखा है, इंजीनियरिंग कितना रिस्पेक्टेड फील है, यू शुड डू इंजीनियरिंग। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मतलब आई मुझे सब लोग क्यों दोनों में से एक चूज करने के लिए बोल रहे हैं, मैं दोनों क्यों नहीं कर सकती थी। दैट इज व्हाई आई डिड बोथ। ओके, सो यू वांट टू सेट एन एग्जांपल। ओके, मोस्ट फेवरेट पर्सन इन योर लाइफ? मॉम और डैड? मॉम। व्हाई? बिकॉज़ शी इज हियर? नो, बट आई एम लाइक माय मॉम्स डॉटर। ओके, आई एम माय मॉम्स डॉटर। Okay, cool, yeah. Cool. So that was one good interview. Hello? Mobile. Charger bum card. Nice, please set it down.